नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम सेकेंड ईयर की क्लास चालू करेंगे, तो हम बीएससी पार्ट सेकेंड में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अपने 5 लेक्चर हो चुके थे, ये अपना 6 नंबर का लेक्चर है। दोस्तों, हमने अभी तक जो बात की है वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, इसके अलावा कोई भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर जनरल सॉल्यूशन दिया गया है तो उसकी सहायता से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद में अपन ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि चरों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, उसमें जो भी एक्स की टर्म है उनको डीएक्स के साथ में ले जाके, वाई की टर्म्स को डीवाई के साथ में ले जाके उनका इंटीग्रेशन करके अपन सोल्व आउट कर लेते हैं। तो आज अपना 1.3 है, उसके अंदर हम समघात अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समघात फलन क्या होता है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे समघात अवकल समीकरण किसे कहते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका जो आर्टिकल है वो समझेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस और अपने जो एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं समघात फलन। तो होमोजीनियस फंक्शन जिसको बोला जाता है, होमोजीनियस फंक्शन इसको बोला जाता है समघात फलन। दोस्तों, समघात फलन क्या हुआ है कि अपने कोई भी फंक्शन दिया गया है, जैसे एफ एक्स वाई, जो एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर कोई फलन है, आप किसी रियल नंबर से एक्स और वाई को गुणा कर दो, तो फिर वो रियल नंबर, जैसे के रियल नंबर से अपन ने एक्स और वाई को गुणा किया, तो वो के रियल नंबर उस फंक्शन के बाहर आ जाना चाहिए, और के की जो पावर होती है वो समघात फलन की डिग्री कहलाती है अपनी। तो एक बार अपन डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बाद में होता है ये क्लियर। तो एक फलन एफ एक्स वाई, एक फलन है एफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन कहलाता है, यदि अगर आपने x और y को किसी रियल नंबर k से गुणा कर दिया, तो ये k की पावर n घात का है, तो k की पावर n एफ एक्स वाई, और ये जो k होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो एक फलन एफ एक्स वाई समघात फलन कहलाता है n घात का, अगर वो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करे। अब अगर एक घात का होगा तो k की पावर 1 आ जाएगा, अगर 0 घात का होगा तो k की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर 2 घात का है तो k स्क्वायर हो जाएगा। जैसे दोस्तों, अपने एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे अपने को ये फलन दिया है एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों, ये जो फलन है, अपने को ये चेक करना है कि ये समघात फलन है या नहीं है, और समघात फलन है तो ये कितनी घात का समघात फलन है। एक तो अपने को चेक करना है ये समघात फलन है या नहीं है, और अगर समघात फलन है तो ये कितनी घात का समघात फलन है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि एक रियल नंबर k से गुणा कर देते हैं, के एक्स के वाई बराबर, तो x की जगह के एक्स रखेंगे तो ये बनेगा के एक्स का स्क्वायर, और y की जगह के वाई प्लस के एक्स के वाई का होल स्क्वायर, और नीचे जो बना वो बना के एक्स का होल स्क्वायर प्लस के वाई का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से के स्क्वायर और एक के क्यूब हो गया, ये के और के स्क्वायर, ये के क्यूब हो गया, तो के क्यूब ऊपर से कॉमन आ गया, तो यहाँ जो बचा वो बचा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर,
और नीचे से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ भी के स्क्वायर बनेगा और यहाँ भी के स्क्वायर बनेगा, तो के स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया और ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक के कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये बना के, और ये जो पूरा बन रहा है, ये जो पूरा बन रहा है दोस्तों, ये जो पूरा बन रहा है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो के की पावर दो कैंसिल आउट हो गई और ये सम फंक्शन ऑफ है। तो कुल मिला के एफ ऑफ के एक्स वाई बराबर अपना आ गया, और अगर यहाँ पे पावर वन लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि अपना दिया गया जो फलन एफ एक्स वाई है वो समघात फलन है, और समघात फलन है तो फिर कितनी घात का समघात फलन है, तो एक घात का समघात फलन है। ऐसे अपन और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों। तो ये अपनी जो होमोजीनियस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ये अपनी जो होमोजीनियस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अपने को समघात अवकल समीकरण पढ़ना है। समघात अवकल समीकरण पढ़ने से पहले समघात फलन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये अपन ने समघात फलन का एक एग्जाम्पल देख लिया और समघात फलन की डेफिनेशन देख ली। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, अपन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब अपन पढ़ते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो समघात अवकल समीकरण। दोस्तों समघात अवकल समीकरण क्या होता है एक बार इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं इसको समझाता हूँ। तो एक अवकल समीकरण है जैसे अपने को अवकल समीकरण मान लो ये दिया है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के पढ़ रहे हैं, तो डी वाई वाई डी एक्स बराबर मान लो एफ वन एक्स वाई, एफ वन है वो एक्स वाई का फलन है और एफ टू भी एक्स वाई का फलन है। एक अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाता है, समघात अवकल समीकरण कहलाता है ये जो अपना एक अवकल समीकरण है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वन एक्स वाई अपन एफ टू एक्स वाई, ये समघात अवकल समीकरण कहलाता है यदि यदि एफ वन एक्स वाई व एफ टू एक्स वाई, यहाँ पे दो फलन दिए हैं एफ वन एक्स वाई और एफ टू एक्स वाई, समान घात के समघात फलन हो, समघात फलन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दिया है dy by dx बराबर एफ वन एक्स वाई अपन एफ टू एक्स वाई, ये समघात अवकल समीकरण कहलाता है अगर एफ वन एक्स वाई और एफ टू एक्स वाई जो दिए हैं वो समान घात के अवकल समीकरण हो। समान घात का मतलब है जैसे मान लो ये दो घात का अवकल समीकरण है, तो सॉरी ये दो घात का अवकल, ये दो घात का समघात फलन है तो ये भी दो घात का समघात फलन होना चाहिए। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर इस पूरे की एक साथ अपन बात करें तो इस पूरे की जो घात आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, जीरो घात। अगर मान लो मैं इस पूरे को, अगर मैं इस पूरे को कोई अन्य फंक्शन जी एक्स नाम दे देता हूँ, अगर मैं इन दोनों फंक्शन को कोई जी एक्स फलन नाम दे देता हूँ, तो जी एक्स जो फलन है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, जीरो घात होनी चाहिए। जैसे मान लो ये तीन घात का समघात फलन है, ये भी तीन घात का समघात फलन है, तो ओवरऑल तीन घात से तीन घात कट जाएगी, तो बताओ ये कितनी घात का समघात फलन हो गया, जीरो घात का समघात फलन हो गया। तो आप या तो ऐसे ध्यान रख लो कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वन एक्स वाई अपन एफ टू एक्स वाई, ये समघात अवकल समीकरण कहलाता है अगर इन दोनों की घात समान हो। अब समान का मतलब ये नहीं है जैसे एक हो सकता है इसकी तीन है तो इसकी भी तीन है, इसकी पाँच है तो इसकी भी पाँच है। इस प्रकार का जो अवकल समीकरण होता है वो समघात अवकल समीकरण कहलाता है। अब समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए अपन आर्टिकल पढ़ते हैं, तो यहाँ से देखते हैं
दोस्तों मान लेते हैं कि अच्छा समघात अवकल समीकरण के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के लिखते हैं, समघात फलन को निम्न प्रकार भी लिखा जाता है, देखो कैसे। मान लो ऐसे है अपना एफ के एक्स के वाई बराबर ऐसे आ गया मान लो, या के एक्स के वाई की जगह अपन ये लिख दे कि मान लो एफ एक्स वाई बराबर अपना ऐसे है एक्स की पावर एन सम फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। एफ एक्स वाई को ऐसे लिखा जा सके, या मान लो अच्छा इसमें यह है कि अगर यहाँ x की पावर n आ रहा है तो यहाँ x अपॉन में आएगा, अगर यहाँ y की पावर n आ रहा है तो y अपॉन में आएगा, अगर यहाँ x की पावर n आ रहा है तो x अपॉन में आएगा, y की पावर n आ रहा है तो y अपॉन में आएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ n घात के समघात फलन को इस प्रकार लिखा जाता है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल दोस्तों ये है कि अपने को ये पता है एफ एक्स वाई बराबर जैसे कोई भी बीजीय फलन है ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए एन एक्स की पावर, देखो वन है तो ये हो जाएगा और एन है तो एक्स की पावर एन माइनस एन जीरो हो जाएगा और ये वाई की पावर है। मान लो ये है, इसको अपने को चेक करना है, इसको चेक करना है तो आप क्या करो कि एक्स की पावर एन कॉमन ले लो पूरे में से, एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया, एक्स की पावर एन कॉमन लेने से ये बना ए नोट प्लस ए वन। अब देखो एक्स की पावर एन कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस वन है ये तो कॉमन आ गया, तो मैं इसको वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x की पावर n को आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और ये वाली टर्म वापस मिल जाएगी। ऐसे ही करके आप इसको लिखोगे ए एन वाई अपॉन एक्स की पावर n। तो ये जो टोटल फंक्शन बना, ये जो टोटल फंक्शन बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टोटल फलन बना, तो बताओ मैं इस फलन को ये नाम दे सकता हूँ या नहीं? एक्स की पावर n सम फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, फंक्शन हो गए वाई अपॉन एक्स। तो अगर किसी फलन एफ एक्स वाई को इस रूप में लिखा जा सकता है, अगर किसी फंक्शन एफ एक्स वाई को इस रूप में लिखा जा सकता है तो ये जो एक्स की पावर होती है, ये जो एक्स की पावर होती है, जितनी भी पावर का एक्स है उतनी घात का एफ एक्स वाई को समघात फलन कहा जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से एक्स की पावर एन कॉमन लिया, ऐसे ही वाई की पावर एन भी कॉमन ले सकता हूँ, तो वाई की पावर एन कॉमन आता तो यहाँ एक्स अपॉन वाई बन जाता और ये जो फलन बन के आता ये एक्स अपॉन वाई का फलन बन जाता और यहाँ वाई की पावर एन कॉमन आ जाता तो फिर वो एन घात का समघात फलन हो जाता। तो कुल मिला के समघात एन घात के समघात फलन को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ये भी आपको रिमेम्बर करना है, ये भी अपने को रिमेम्बर करना है। तो ये नोट पॉइंट लगा के लिख लो या फिर अभी वो समघात फलन की अपन ने परिभाषा लिखी थी वहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ रहे थे जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी अपने को समघात अवकल समीकरण अगर दिया है तो हम उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, तो मान लो सिलेक्ट अपने को डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे जो भी फलन दिया जाएगा वो कितनी घात का होगा, मैंने ये बोला था कि एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई ये समघात फलन है, तो ये जितनी घात का समघात फलन है उतनी घात का समघात फलन ये होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा समघात अवकल समीकरण बना।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको जैसे मान लो कि x की पावर 0 सम फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तीन घात का समघात फलन है, ये भी तीन घात का समघात फलन है, तो तीन से तीन कट गया, तो ये बताओ कंप्लीट जो समघात फलन बना वो कितनी घात का बना, 0 घात का समघात फलन बना, तो 0 घात का समघात फलन बना तो x की पावर 0 y अपॉन x लिख लो, या फिर आपकी मर्जी, या इसको y की पावर 0 सम फंक्शन ऑफ x अपॉन y भी लिख सकते हो उसको, तो मान लिया dy / dx बराबर ये है। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, dy / dx बराबर x की पावर 0 का मान तो 1 हो गया, तो कुल मिला के आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इस फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन है, इसको डाल दिया इक्वेशन 1। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इस टाइप से कन्वर्ट करना है, या तो x अपॉन y में कन्वर्ट करो या y अपॉन x में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ dy / dx है तो यहाँ y अपॉन x बनेगा, अगर dy / dx है तो y अपॉन x बनेगा, और dx अपॉन dy है, dx अपॉन dy है तो x अपॉन y बनेगा, तो वो x अपॉन y के भी अपन एग्जांपल करेंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो अपने को ये ध्यान रखना है कि dy / dx बराबर सम फंक्शन ऑफ y अपॉन x। इस टाइप का मैं ये बोल सकता हूँ, यह है एक समघात अवकल समीकरण है आता है। अब समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए आपको मानना पड़ता है लेट y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स। दोस्तों इसका ध्यान रखना y बराबर है वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स माना तो अब देखो अपने को तो dy / dx निकालना है, इसका मतलब y बराबर वी एक्स जो माना है, y बराबर वी एक्स जो माना है उसका x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो ये बना dy / dx बराबर। अब देखो v को रोका x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को रोका और v का डेरिवेटिव dv / dx, सही है। y का x के सापेक्ष जो डेरिवेटिव किया वो dy / dx, अब देखो v को रोका x का डेरिवेटिव 1 और फिर x को रोका तो v का dv / dx, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे कि dy / dx और y का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ y एंड dy / dx इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y और dy / dx की वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने से देखो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बना v प्लस x dv / dx इक्वल टू फाई, और देखो यहाँ से y बराबर vx, तो या तो आप y अपॉन x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये x को बाद में ले जाओ तो y अपॉन x की जगह v पुट कर दो, या पूरे y की जगह vx पुट कर रहे हो तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा फाई। ठीक है दोस्तों, अब ये जो समघात अवकल समीकरण है वो चरों के पृथक्करण में चेंज हो गया। अब जो पिछली प्रश्न वाली अपन ने की थी 1.2 उसमें ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है, कैसे, क्योंकि अब यहाँ पे अपने पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल v है एक वेरिएबल x है, तो अब इसके बाद में जो भी प्रोसीजर होगा, इसके बाद का जो भी प्रोसीजर होगा वो वही प्रोसीजर होगा जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं। अब क्या करना है, v की जो भी टर्म्स है उनको dv के साथ में लेके जाना है, x की जो टर्म है उनको dx के साथ में ले जाना है, इंटीग्रेशन करना है और सोल्व कर लेना है। बस लास्ट में ये ध्यान रखना है जो अपन ने v माना था उस v की वैल्यू यहाँ से निकाल के y अपॉन x जरूर पुट कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x dv / dx बराबर 5v - v, इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं dv के नीचे तो v वाली जो टर्म्स लेके आओ 5v - v बराबर dx के नीचे लेके आओ x और बोथ साइड। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोसीजर अपने को ध्यान रखना है, यहाँ ये y बराबर vx पुट करने के बाद में ये जो अपना क्वेश्चन है वो चरों के पृथक्करण में चेंज हो जाएगा, और जो चरों का पृथक्करण है अपन पीछे पढ़ के आए हैं, और बस ये ध्यान रखना है इसके नीचे ये सोल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो अपने पास 5v का पता नहीं है कि भाई 5v क्या है, तो इस कारण इसको आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन अपना जो क्वेश्चन होगा वो इसके आगे सोल्व हो जाएगा, और सोल्व होने के बाद में जो आंसर v में आते हैं उस v की जगह
वाई अपॉन एक्स पुट करके अपने को एक्स और वाई के अंदर एक आंसर निकालना है। तो दोस्तों ये इसका आर्टिकल है, ये समझ में आ गया होगा। अपन पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आरयू में ज़्यादातर एग्जाम्पल आते हैं, तो वन बाई वन अपन एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसको समझना, क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर वन है। एग्जाम्पल नंबर वन क्या है, अपने को पता नहीं होगा वहां पे कि ये क्वेश्चन कहां से उठ के आया है, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का है या होमोजीनियस फंक्शन का। उसमें तो डायरेक्ट आएगा सोल्व करना है आपको, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस। दोस्तों इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको दो बार देख के उतारना, क्योंकि अगर प्लस माइनस भी हो गया तो फिर आगे प्रॉब्लम आ जाएगी अपने यहाँ, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर जीरो। ओके दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चले तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि एक तरफ dx को ले लेते हैं, एक तरफ dy को ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे डी वाई। अब अगर अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो ये तो आपको पता होगा कि जो डी एक्स के मल्टीपल में है वो ऊपर आ जाएगा, जो डी वाई के मल्टीपल में है वो नीचे आ जाएगा। तो डी एक्स के मल्टीपल में क्या था, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, ये डी एक्स के मल्टीपल में, ये एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। तो देखो दोस्तों, अगर इसको मैं अभी मैं बता रहा था इसको f1 फलन मानता हूँ, तो f1 फलन की जो कोटी है तीन, आप x और y के घातों को जोड़ लिया करो, इसकी तीन और इसकी भी तीन, तो बताओ तीन से तीन कट जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना या फिर ये जो पूरा फलन बना, पूरा फलन बना, उसकी कोटी कितनी बनी, जीरो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह है तीन घात का समघात, समघात अवकल समीकरण है तीन घात का समघात अवकल समीकरण है। तो तीन घात का समघात अवकल समीकरण है, तो मैंने बताया था समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए क्या मानते हैं, तो लेट y बराबर Vx, y बराबर Vx अगर मानते हैं तो y बराबर Vx मानते हैं तो अपने को तो dy by dx निकालना है। तो जो dy by dx की जो वैल्यू है वो है v plus x dv by dx। तो dy by dx हो गया v plus x dv by dx, और ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन में। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन, इक्वेशन वन में पहले वैल्यू पुट करता हूँ तो ये dy by dx की जगह, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करता हूँ तो ये बना v plus x dv by dx इक्वल टू। अब देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई की जगह है, y की जगह vx एक्स माइनस टू एक्स वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वी एक्स, ये बन गया।
थोड़ा आगे इसको सोल्व आउट करते हैं, तो ये बना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू। दोस्तों यहाँ से ये बनेगा x और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बनेगा, यहाँ से भी एक्स क्यूब बनेगा, यहाँ से भी एक्स क्यूब बनेगा, यहाँ से भी एक्स क्यूब बनेगा। तो ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऊपर क्या बना, ऊपर अपना जो बचा वो बना v माइनस टू वी स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब तो कट गया, तो v माइनस टू वी स्क्वायर, और नीचे बना 1 माइनस 3v। अब क्या करेंगे कि इसको लेफ्ट में लेते हैं x dv by dx, और जो v है उसको राइट में ले जाते हैं, क्योंकि v की जो टर्म्स हैं वो राइट में पड़ी हुई हैं। v माइनस टू वी स्क्वायर 1 माइनस 3v माइनस v, ओके इस v को लिए। अब इसको थोड़ा सोलो आउट कर लेता हूँ मैं, तो एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ, तो ये v माइनस टू वी स्क्वायर तो है ही, और एलसीएम ले लिया तो इसको मल्टीप्लाई में माइनस का v और ये प्लस का 3v स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे है 1 माइनस 3v। तो कुल मिला के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर अपन कर ले तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये v है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो v है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर तो बच रहा है ये माइनस का टू वी स्क्वायर, ये प्लस का थ्री वी स्क्वायर, तो ऊपर बच रहा है वी स्क्वायर और जो नीचे बच रहा है वन माइनस थ्री वी। अब दोस्तों इतना करने के बाद में इसको, जैसे इक्वेशन टू, इतना करने के बाद में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी और एक्स दो ही वेरिएबल हैं, तो अपन क्या करेंगे, वी की जो टर्म है उनको डी वी के साथ में लेके जाएंगे, और जो भी एक्स के टर्म है उनको डी एक्स के साथ में लेके आएंगे। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 माइनस 3 वी तो ऊपर, और ये वी स्क्वायर नीचे, और ये टर्म है डी वी की इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये तो समझ में आ जाएगा आपको कि डी एक्स को यहाँ लेके आए तो एक्स इसके अपॉन में आ गया, ये इसके मल्टीप्लाई में गया और ये भाग में गया। मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ इधर से, आप उतार लेना, आपके पास रहेगा ये मैटर। तो दोस्तों इनको मैं अलग अलग करता हूँ, तो ये बनेगा 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 3, एक वी से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 अपॉन वी। ये पूरा तो है डी वी के साथ में, और ये है dx अपॉन x। अब जितनी भी v की टर्म थी वो dv के साथ में आ गई, x की टर्म है वो dx के साथ में आ गई, इक्वेशन नंबर 3। और अब क्या कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो 1 अपॉन वी स्क्वायर, 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन वी। कैसे, जैसे 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी, तो पावर नियम से होगा, तो v की पावर माइनस 2 डी वी, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है v की पावर माइनस 2, एक घात जुड़ जाती है और फिर माइनस 2 प्लस 1, ये बना v की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और ये बन गया माइनस 1 अपॉन वी। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन वी माइनस 3 कॉन्स्टेंट, और ये 1 अपॉन वी डी वी का हो जाएगा लॉग वी बराबर लॉग एक्स, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन क्या जोड़ देते हैं, लॉग सी। इसको हटा देता हूँ मैं दोस्तों, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर अपन करें तो माइनस 1 अपॉन वी, इसको राइट साइड में ले आते हैं, तो 3 लॉग वी प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो माइनस 1 अपॉन वी इक्वल टू ये बन जाएगा लॉग वी क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम एन, उसके हिसाब से अगर अपन करें तो माइनस 1 अपॉन वी इक्वल टू लॉग वी क्यूब सी एक्स, वी क्यूब सी एक्स।
अब दोस्तों ये लॉग हटता है तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो कुल मिला के इसको तो एक तरफ लिख लेते हैं, वी क्यूब सी एक्स बराबर ई की पावर में माइनस का वन अपॉन वी। अब वाई बराबर माना था अपन ने वी एक्स, इसका मतलब जो वी का मान निकल के आया वो आया वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स वैल्यू पुट करते हैं। तो थोड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन पेशेंस बनाए रखना है अपने को। तो देखो v की वैल्यू अपन पुट करते हैं तो y अपॉन x का होल क्यूब सी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस, और ये x अपॉन y हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बना y क्यूब सी वाई क्यूब, एक x कैंसिल आउट हो गया और इसको मल्टीप्लाई में भेज दो तो एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स अपॉन। तो दोस्तों अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये इसका सॉल्यूशन है, लिखना जो दिए गए अवकल समीकरण का हल है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो समघात तो बहुत ही जी है, बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि अपने को समघात अवकल समीकरण है उसमें y बराबर वी एक्स पुट करना है, जो भी डेरिवेटिव होते हैं उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद में वो अपना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद में अपन आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर दो, सीधा क्वेश्चन आएगा सोल्व y स्क्वायर डी एक्स प्लस का एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर जीरो। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन पार्ट भी अगर चलिए अपन, तो सबसे पहले तो मैं जो क्वेश्चन अपने को दिया है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर जीरो, इसको राइट डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ से वाई स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको राइट साइड में ले आए, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो मान निकल के आया जो भी डी एक्स के मल्टीप्लाई में है उसको दो ऊपर, तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस ऊपर नीचे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर एक। देख लो ये जो है दो घात का है, ये भी दो घात का है, तो ओवरऑल ये जीरो घात का समीकरण बन गया। तो मैं लिख सकता हूँ यह एक समघात अवकल समीकरण है, यह एक समघात अवकल समीकरण है अतः अब समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का मैंने तरीका बता दिया है कि जो भी समीकरण मिले उसमें मान लेना लेट y बराबर वी एक्स, y बराबर वी एक्स है इसका मतलब x के सापेक्ष डेरिवेटिव किया तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर मैं ये लिख सकता हूँ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो y और dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर पुट में वन में पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ y एंड dy वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन है वन, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो ये तो यहाँ पे पुट होगी, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर की जगह अपन पुट करेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई बराबर वी एक्स पुट किया तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स, और वाई की जगह पुट किया वी एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर बना, ये एक्स स्क्वायर बना, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। तो मैं कुल मिला के इसको ये लिख सकता हूँ कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस का वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वन। कुल मिला के ये बना, नीचे से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से ये बना एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वन। ये जो भी है इसमें से माइनस का वी और आ जाएगा, अगर जो वी लेफ्ट साइड में था उसको राइट साइड में लेके आई तो माइनस वी। और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको माइनस का वी स्क्वायर, ये जब एलसीएम लेंगे तो माइनस का वी स्क्वायर और माइनस का वी, और ये नीचे बना वी प्लस वन। तो कुल मिला के ये बना एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस तो कॉमन ले लेता हूँ तो ये बना वी प्लस टू वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वन। ये वी स्क्वायर और वी स्क्वायर टू वी स्क्वायर हो गए, वी को मैं कॉमन ले लिया तो अपना ये बना। अब दोस्तों इसके अंदर है, अगर हम बात करना चाहें, अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो जो भी v के टर्म है उनको dv के साथ में लेके जाएंगे, जो x के टर्म है उनको dx के साथ में लेके जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये v प्लस वन तो ऊपर गया तो v प्लस वन ये भाग में आएगा, v मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है, v v प्लस टू वी स्क्वायर, ये तो इधर गया और ये इधर, और ये dv, और माइनस इधर है और मल्टीप्लाई में dx अपॉन x। अब दोस्तों अपन इसका इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन के अंदर, अच्छा ये माइनस का है तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो v प्लस वन और नीचे से v कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टू वी, वन प्लस टू वी, और ये dv तो प्लस का dx अपॉन x बराबर जीरो, माइनस को भी ले गया। इसको दोस्तों मैंने इक्वेशन नंबर दो डाल दिया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से अलग अलग करूँगा, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ इधर वाले पोर्शन को, तो यहाँ से इनको जब मैंने सेपरेट किया, सेपरेट करने से ये बना v के नीचे तो बना v 1 प्लस टू वी प्लस, और 1 के नीचे बना v 1 प्लस टू वी, और ये बना dv प्लस का dx अपॉन x बराबर जीरो। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं, बस इनको सेपरेट किया है, वी से वी कैंसिल आउट हो गया, और ये अब दोस्तों यहाँ से एक भी तो कैंसिल आउट हो गया तो ये बना वन प्लस टू वी, इसका तो आसानी से हो जाएगा, और प्लस वन अपॉन वी वन प्लस टू वी, और ये डी वी प्लस का डी एक्स अपॉन एक्स बराबर। अब देखो इसका तो हो जाएगा लेकिन इसका फिर से नहीं हो पाएगा, तो या तो मैंने जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बताया था उसके अंदर आंशिक भिन्न वाला तरीका बताया था उससे कर लो, या फिर कुछ और तरीका अगर देखे, मान लो इसको वन अपॉन वी और इसको वन अपॉन वन प्लस टू वी लिखूँ मैं, तो अगर मैं प्लस किया और यहाँ टू किया तो टू वी वन प्लस टू वी, ये माइनस किया तो 1 प्लस टू वी में टू वी गया तो 1 बचेगा ऊपर, तो ये एडजस्ट हो गया। अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ तो आएगा 1 प्लस टू वी और माइनस का टू वी, तो टू वी कैंसिल आउट हो, ऊपर 1 और नीचे हो गया।
आप यहाँ तो ऐसे कर लो, यहाँ a अपोन ये और b अपोन ये मान लो, तो आपका a की वैल्यू जो निकल के आएगी a अपोन v और b अपोन 1+2 ही मानते हो, तो a की वैल्यू तो 1 निकल के आएगी और b की वैल्यू -2 निकल के आएगी, तो आप उस तरीके से कर सकते हो, सिंपल है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियोज़ को प्रत्येक लेक्चर को देखना, ऐसे नहीं है कि बीच में अगर किसी ने पाँचवा लेक्चर देख लिया, किसी ने तीसरा देख लिया, 1 से देखो आप, 1/v माइनस का 2/1+2v, ऐसा ही अभी यहाँ पे किया था, और dv प्लस का dx/x=0। तो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/1 माइनस का बच गया, और यहाँ से dv को प्लस dx/x=0। अब समीकरण नंबर 3, अब आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो इसका बनेगा log v माइनस, इसका दोस्तों आप जानते होंगे जैसे 1+2v को t मान लिया तो 2dv बना dt, इसका मतलब माइनस का, और तो dv का मान dt/2 आ जाएगा, और ये t और इसका log t, तो माइनस का 1/2 भाई 2 का अवकलन करके भाग देते हैं और ये बना log। अब बड़ी क्लासों में आ गए, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, 1+2v और प्लस का log x प्लस log c 0। log c इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों ये log v log x log c इन तीनों को तो एक जगह कर लो, तो log cvx इक्वल टू, इसको राइट में ले आओ, 1/2 log 1+2v। अब क्या करें अपन, 2 से पहले गुणा कर दो, तो 2 से पहले गुणा किया तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा, अगर 2 से गुणा किया तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद में ये आगे 2 आ गया, अगर एक स्टेप में आगे बढ़ा के लिख दूँ इसको तो ये बनेगा log, जो आगे आता है वो पावर में चला जाता है, बराबर log 1+2, और log कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में जो बना, कैंसिल आउट होने के बाद में कुल मिला के ये जो बना वो बना c² या c² की जगह तो c लिख दो, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर, v²x² = 1+2v। अब ऐसे मत सोचना यहाँ c² क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो c² लिख दो, या आप c² की जगह c1 लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं होता यहाँ से, v² की जगह y/x² x² 1+2y/x, यहाँ से x² कट गया, cy² = 1+2y/x। तो दोस्तों अपना ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है, तो xy² ओके और x+2y, हंसवर अगर बुक का मैच करना चाहे तो c है, यहाँ से LCM x ले लो, तो xy² = x+2y, कोई इफेक्ट नहीं होता, c इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, तो ये अपना आंसर हो गया। आप ऐसे मत सोचना कि कोई बच्चा की किताब में c आंसर में यह आ रहा है, ये तो c को भाग में दे देंगे तो 1/c हो जाएगा, और 1/c को कुछ c1 नाम दे दो, तो कुल मिला के आप यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं होता। बस ये पता रखना है अपने को कि जो समघात अवकल समीकरण है उसमें y = vx मान रहे हैं, उस v को लास्ट में रिमूव करके आना है, v की जगह y/x पुट करके आना है। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है। दोस्तों आगे अपन चलते हैं कंटिन्यू।
तो एग्जाम्पल नंबर तीन जो है एग्जाम्पल नंबर तीन है वो अपने को दिया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स कहाँ ध्यान है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एक्स डी वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू ई। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स अपने को निकालना है। तो सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले सॉल्यूशन पार्ट पे यहाँ से मैं एक्स डी वाई को राइट साइड में लिख लेता हूँ और वाई को लेफ्ट साइड में ले जाऊँ, तो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आ गया अपना डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बनाऊँ तो जो डी एक्स के मल्टीपल में है वो तो ऊपर आ जाएंगे, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन डी वाई के मल्टीपल में है x, इक्वेशन नंबर वन। तो दोस्तों ये एक घात का समघात फलन है, क्योंकि ये दो घात तो दिख रही हैं लेकिन अंडर रूट के कारण ये हाफ हो जाती है, तो ये एक घात का समघात फलन है। तो मैं लिखूँगा कि दिया गया अवकल समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है, और समघात अवकल समीकरण है अतः माना जितने भी समघात अवकल समीकरण है उनको सोल्व करने का मैं प्रोसेस बताया था, वाई बराबर वी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर दो। वाई और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन वन, y और dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, तो ये dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, y की जगह वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स। दोस्तों यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो x कॉमन आएगा और वो x इस x को कैंसिल आउट कर देगा, तो नाउ गेट को बंद कर दूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और वो x बनेगा और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बना v प्लस x dv by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx इक्वल टू v मार्कर्स की प्रॉब्लम। तो दोस्तों समा चाहते हैं हम इसके लिए आपसे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई
तो यहाँ से x कॉमन आया तो ये बना v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपोन में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और x से x कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिला के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x dv अपोन dx इक्वल टू, और ये बोथ साइड से v भी कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इसको मैं ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन बन दिया, तो dv अपोन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर dx अपोन x, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो कौन इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, लॉग के पदों में इंटीग्रेशन होता है लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर लॉग x प्लस लॉग c। कैसे होता है ये, जैसे मान लो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर आप t मान दो तो इसका बनेगा v का बनेगा dv, या v का बनेगा 1 प्लस रूट का 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर, और 1 का 0 वी स्क्वायर का 2v, और पूरे का dv बराबर tt। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कुल मिला के 1 प्लस वी अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर डी टी वी स्क्वायर का 2v रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स का प्लस 2। तो ये बन जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। यहाँ आप तो ऐसे करो, इसको लैंड कर लो। लैंड करने का मतलब ये है कि अगर आप इसको t मानते हो तो ये अपना dt बन के आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको समझा दूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर log cx, इसको और सोल्व आउट किया तो log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log cx, दोनों तरफ से लोग उठा तो ये बना v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। वी की जगह y अपोन x पुट करो, y अपोन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपोन एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आके एक्स स्क्वायर यहाँ और x बाहर निकलेगा, तो इसको y अपोन x प्लस 1 अपोन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स, और ये बना वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर है दोस्तों। इसको एक बार राइट डाउन करो, उसके बाद अपन नेक्स्ट में चलते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 6 है दोस्तों, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको मैं बताता हूँ। इसको उठा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई का क्वेश्चन आ गया है ये, डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई
वन माइनस एक्स अपॉन वाई, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं बना के डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना पड़ेगा अपने को, तो ये ध्यान रखना है। अभी तक y अपॉन एक्स के पढ़ रहे थे, उसमें dy अपॉन dx बना लेते थे और y बराबर vx मान लेते थे, लेकिन ये थोड़ा अलग आ गया, इसमें x अपॉन y है। तो आप क्या करेंगे, x अपॉन y है तो इसमें dy अपॉन dx ना बनाकर dx अपॉन dy बनाना है। और एक तो अपने को dx अपॉन dy बनाना है इसमें, और दूसरी चीज़ जो पहले अपन y बराबर vx मानते थे, अब उसकी जगह अपने को मानना है x बराबर vy। ये दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में। और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो देखते ही अपने को पता लग जाएगा, क्योंकि x अपॉन y सीधा सीधा दिख रहा है। बाकी के अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें y अपॉन x बनता था, इसमें x अपॉन y बन रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि इस समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, तो सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। तो समीकरण को मार्कर्स की प्रॉब्लम आ रही है आज, रेड से ही समझा देता हूँ। गिवन इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, एक तो dx अपॉन dy बनाना है, dx अपॉन dy। तो देखो दोस्तों, माइनस dy के साथ गुणा में क्या है ये वाला, तो e की पावर x अपॉन y और इसको 1 माइनस x अपॉन y, और dx के साथ गुणा में है 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। अगर माइनस को भी एडजस्ट करना चाहे अपन, तो dx अपॉन dy इक्वल टू e की पावर x अपॉन y। माइनस को एडजस्ट करना चाहे तो इसको x अपॉन y माइनस 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, इक्वेशन नंबर 1। तो ये समघात अवकल समीकरण अपने को दिख रहा है, देखो यहाँ जीरो घात हो गई, जीरो घात हो गई, जीरो घात है। तो दिया गया अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है, ये जो भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है समघात अवकल समीकरण है आता है। अब अपने को ये स्पेशल ध्यान रखना है, यहाँ मानना है x बराबर वी वाई, एक्स बराबर वी वाई मानना है। तो x बराबर वी वाई से डी एक्स अपॉन डी वी कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन वाई के सापेक्ष करेंगे अब डेरिवेटिव, पहले x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते थे, अब y के सापेक्ष, तो डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखो v का रोका y का 1, y को रोका v का डी वी अपॉन डी वाई। तो मैं क्या बोलूँगा, x तथा पुट वैल्यूज ऑफ x एंड डी एक्स अपॉन डी वाई, पुट वैल्यू ऑफ x एंड डी एक्स अपॉन डी वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x और डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से ये जो बना वो बना v प्लस y डी वी अपॉन डी वाई बराबर e की पावर। अब दोस्तों आपने x की जगह वी वाई यहाँ पुट किया, x की जगह वी वाई पुट किया, तो y से y कट गया, तो ये v और ये बना v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर v। तो ये बना y dv अपॉन dy इक्वल टू v e की पावर v, e की पावर v को अंदर गुणा कर दिया, e की पावर v 1 प्लस e की पावर v माइनस v, v को अपने लेफ्ट साइड में ले आए, राइट साइड में ले आए। तो ये बना v e की पावर v माइनस e की पावर v, v को मल्टीप्लाई करो तो माइनस v, और माइनस v e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, एंड दिस वन इज कैंसिल आउट। तो कुल मिला के माइनस तो कॉमन ले लिया, तो ऊपर बना v प्लस e की पावर v और नीचे बना 1 प्लस e की पावर v। तो दोस्तों अब ये है
वो चरों के पृथक्करण से होगा। अब वाई की टर्म्स को डी वाई के साथ में और वी की टर्म को डी वी के साथ में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर वी तो यहाँ चला जाएगा और भाग में वी प्लस ई की पावर वी आएगा और यहाँ डी वी और बराबर माइनस डी वाई अपॉन। अब अपन लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो देखो अगर दोस्तों इसको टी मानते हो तो ये डी टी है। कैसे? अगर आप वन, ये जो नीचे जो बना हुआ है वी प्लस ई की पावर वी को आप टी मानते हो तो वन प्लस ई की पावर वी और डी वी, तो ये कितना बन जाता है डी टी। तो ये पूरा का पूरा इसका मान डी टी ओ टी और डी टी अपॉन टी लॉग टी होता है। तो कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूँ लॉग वी प्लस ई की पावर वी बन गया इस पूरे का इंटीग्रेशन तो, और प्लस का लॉग वाई क्योंकि माइनस का बनेगा उधर लेके गए लॉग वाई और लॉग सी भी इधर लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कुल मिला के लॉग या लॉग सी इधर लगा दो फिर लॉग उठाने में आसानी रहेगी अपनी, लॉग वाई वी प्लस ई की पावर वी बराबर लॉग सी। मैं हटा देता हूँ इसको थोड़ा, तो कुल मिला के लोग अट गया तो वाई वी प्लस ई की पावर वी इक्वल टू सी। अब वाई वी की जगह वैल्यू पुट करिए तो एक्स अपॉन वाई प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। यहाँ से वाई एलसीएम लेके कट कर दो तो एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। तो ये दोस्तों अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने को दिया था उसका ये सोल्यूशन निकल के आया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में संघात में दो टाइप हैं, या तो अपना dy by dx टाइप का बनेगा या dx upon dy टाइप का बनेगा। तो अगर dy by dx बन रहा है तो y बराबर vx मानना है, और dx upon dy बन रहा है तो x बराबर vy मानना है। उसके बाद में अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो दोस्तों धन्यवाद, जितने एग्जांपल हो पाए हमने किया, थोड़ा आर्टिकल पढ़ा इसके बारे में। अब अपन जो भी नेक्स्ट क्लास अपने लगेगी बाकी के एग्जाम्पल करेंगे और जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तब तक आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहना। धन्यवाद दोस्तों।